में हम लोग देखने वाले कि हम हमारी एक्सेल शीट में स्क्रोल बार कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। कभी कभी जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है तब हमको एक स्क्रोल बार की जरूरत होती है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले कि आप स्क्रोल बार कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं टोटल सेल्स, कैटेगरीज एंड क्वांटिटी ऑर्डर, इन्हीं तीन डेटा के ऊपर स्क्रोल बार क्रिएट करने वाली हूँ, जिसके लिए आपको डेवलपर टैब में आ जाना है। इंसर्ट टैब में क्लिक करके इस आइकन को चूज करेंगे, जहां पे भी आपको स्क्रोल बार क्रिएट करना है वहां पे आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड आपका स्क्रोल बार क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आना है प्रॉपर्टीज टैब में, इसको आप क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है सेल लिंक, कोई भी रैंडम सी सेल को आप क्लिक करेंगे एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्रोल बार तो क्रिएट हो गया है, लेकिन आपको अभी अपने डेटा से लिंकिंग करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे? आप करेंगे इज इक्वल टू ऑफ सेट ब्रैकेट ओपन, टोटल सेल्स जो है उसकी वैल्यू हम लोग लेने वाले हैं, पहली वैल्यू, कॉमा जो हम लोगों ने ब्लैंक सेल जिसको आप लोगों ने प्रॉपर्टीज में लिंक किया था उसी को लेंगे, ठीक है, कॉमा 0,1,1 ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब लेकिन चीज को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले पे आओ, फॉर्मूला बार में आओ, जिस ब्लैंक सेल को आप लोगों ने लिया था, ठीक है, उसको आप F4 करके फिक्स करेंगे, डॉलर साइन लगना मतलब सेल डिफरेंस फिक्स हो रहा है। जब भी हम फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करेंगे आगे, तो ये जो सेल है वो फिक्स रहेगी, वो आगे उसके साथ नहीं जाएगी, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इसे कर लिया है फिक्स, और यहां से आप पूरे ही डेटा पे इससे आप फॉर्मूला को नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। सो यहाँ पे आपका स्क्रोल बार रेडी हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका डेटा आ रहा है। ओके, मेरी नीचे ज्यादा स्क्रोल करने से डेटा ज्यादा नहीं शो कर रहा है, क्योंकि मेरे जो है 37 रो तक के ही मेरे में डेटा दिए गए हैं। अगर उससे ज्यादा आपकी शीट में डेटा दिए रहेंगे तो वो नीचे स्क्रोल करने पर भी आएगा, बट मैं अगर लास्ट तक स्क्रोल कर दूं तो आप देखोगे नीचे भी पूरा आ रहा है। लास्ट है मेरा ब्रू कॉफी का है, तो ये ब्रू कॉफी का मुझे लास्ट में मेरा डेटा शो करके दे रहा है, देखो 1100 वाला, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सेल शीट में स्क्रोल बार ऐड कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से सिंपली वे में आपको एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स मुझसे सीखनी है, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करें।